जय महाकाल दोस्तों, आप अभी दर्शन कर रहे हैं उज्जैन महाकाल जी के, जो हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में दूसरा ज्योतिर्लिंग है। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैडम रेडी हो रही हैं, तो मैडम पे देखो कितना टाइम लगता है, बट मैं रेडी हूँ और निकलते हैं महाकाल के दर्शनों के लिए। जय महाकाल। अभी होटल चेकआउट कर दिया है हमने, दोबारा जा रहे हैं महाकाल के दर्शनों के लिए। कल रात को भी दर्शन किए थे और अभी दोबारा जा रहे हैं दर्शनों के लिए, तो अभी जाएंगे हम मैडम के साथ। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो निकलते हैं हम महाकाल के दर्शनों के लिए। देख सकते हो हम महाकाल मंदिर सामने है और ये मार्केट छोटे से शादी। अभी गौरव भाई लगा रहे हैं महाकाल के चंदन, एक एक करके हम सब लगाएंगे। जय महाकाल। चलो महाकाल मंदिर वाले आ जाओ भैया, महाकाल। आधे घंटे में दर्शन। अरे बैग वगैरह रख देना दीदी, चप्पल जूते खोल देना, लाकर फ्री है। आ जाओ चंदन वगैरह लगवा लो, फ्री सेवा, कोई चार्ज नहीं। आ जाओ। अभी हमने लगाई है महाकाल की चंदन और यहाँ से हमें मार्केट में घुसना है। सामने देख सकते हैं महाकाल में दिन के टाइम पे मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, जिस वजह से हम पूरी वीडियो नहीं ले पाए। बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके हैं, अभी आए हम सामने में और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी भव्य, बहुत प्यारा नज़ारा है बाबा महाकाल। बाबा महाकाल के दर्शन होने के बाद अभी हम आए हैं प्रांगण में। बाबा महाकाल दर्शन हो चुके हैं और मेरे साथ ये गौरव सामने पे हैं। हम सबकी चंदन अच्छी लग रही थी, तो ईशु को लगा कि उसे भी चंदन लगानी चाहिए, तो इसने आते हुए चंदन लगाई है। महाकाल के दर्शन तो हो ही चुके हैं, अब हमें जाना है ओंकारेश्वर के लिए। यहाँ से ओंकारेश्वर पड़ेगा करीब 200 से 250 किलोमीटर, जो कि हम तुरंत ओंकारेश्वर के लिए निकल रहे हैं, जो कि इंदौर से आगे हैं। सो लेट्स चेक इट आउट, कितने बजे तक पहुँचते हैं। बिन भाई पोहा ऑर्डर किया है हमने, किया पराठा। कैसे पराठा? बढ़िया ठीक है। तो अपनी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में हमने दूसरा ज्योतिर्लिंग अपना पूरा किया है, महाकाल के दर्शन किए। प्रथम हमने केदारनाथ के दर्शन किए थे और अभी महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर के लिए। अभी भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हमारा स्टे रहेगा वहाँ पे। वीडियो में जुड़े रहें, आप आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर के लिए। महाकाल हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग था। विजेंद्र भाई आगे बैठे हुए हैं और गौरव भाई गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। एंड महाकाल के दर्शन करने के बाद हम ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे। ओंकारेश्वर करीब यहाँ से पड़ेगा 144 किलोमीटर, तो निकल चुके हैं, करीब 2 घंटे में हम होंगे भगवान ओंकारेश्वर के नगरी में। आपको रास्ता दिखाते हैं। अभी हम ओंकारेश्वर की नगरी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रुके हुए थे, थोड़ा हमने खाया है भाई से फालूदा और बढ़िया बनाया था। यहाँ से हमें पता चला कि ओंकारेश्वर करीब 10 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके दर्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं और ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा। वीडियो में जुड़े रहें, आपको आगे बताता हूं। अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर। सवेरे के बज रहे हैं अभी 6 और हमने सोचा सवेरे सवेरे बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए और अभी हम दोनों बंदे साथ में हैं, गौरव और बिन्नू आगे हैं, वो मंदिर पर पहुंच चुके हैं और सामने राम मंदिर। ये मंदिर
ले लो 10 रुपये।